हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट सीपी में। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना हर किसी का एक सपना होता है और इन्हीं सपनों को साकार करने वाली कुछ एजेंसी हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसी के बारे में जिसने चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में जाने का भरपूर प्रयास किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो, इनमें से कौन से नंबर पर आती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप स्पेस में जाना चाहते हो या अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो तुम किस ऑर्गेनाइजेशन को चुनोगे? मुझे पता है आप सभी का जवाब होगा नासा। जी हाँ दोस्तों, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि USA के अलावा भी 72 ऐसे भी देश हैं जिनके पास अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है। हम इंडिया वाले भी कोई पिछड़े उछड़े नहीं हैं, हम टॉप 6 एजेंसी में आते हैं। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इन 6 देशों में हमारा देश कौन से नंबर पर है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किस देश ने हमारी धरती के बाहर की दुनिया से हमें वाकिफ कराया। लेकिन देश कोई भी हो, लॉन्च के टाइम पर उसे इंडिया की ज़रूरत जरूर पड़ती है। ऐसा क्यों है ये जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे। अधिकतर लोग इस वीडियो में वो बातें जानेंगे जो अभी तक अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने नहीं सुना था। इसरो, जो कि हमारे इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है, वो कोई पिछड़ी एजेंसी नहीं है, वो भी काफ़ी डेवलप्ड एजेंसी है और काफ़ी सारे मिशन में उसे सक्सेस हासिल है। तो दोस्तों, टॉप 5 स्पेस एजेंसी कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानते हैं। नंबर वन पर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह USA में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है। यही वह संस्था है जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा, मतलब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर भेजा। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तब से लेकर आज तक नासा ने अनेक मिशन में कामयाबी हासिल की है, चाहे मार्स हो या मून हो। नासा हमेशा से ही सभी प्रोग्राम में आगे रहा है और इसी वजह से यह टॉप 5 पर एक इकलौता एजेंसी है। और इसके बाद हम बात करते हैं 1972 में इसने जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट पर अपने अंतरिक्ष यान को भेजा और वहां से जानकारी इकट्ठा किया। नासा ने अनगिनत गैलेक्सी नेबुला से पूरी दुनिया को वाकिफ कराया और ये है कुछ बेहतरीन नेबुला के फोटोज जो नासा ने हमें भेजे हैं, द ईगल नेबुला और द हेलिक्स नेबुला। और दोस्तों, आपको बता दूं कि नासा का खर्चा कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका खर्चा है $20 बिलियन का। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि इतने पैसे में हमारे इंडिया की आधी आबादी की गरीबी हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। नंबर दो पर है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हुआ था 1993 में। 1993 से लेकर आज तक इस एजेंसी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसने अभी तक 383 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े हैं। स्पेस में सबसे पहला स्पेस स्टेशन किसने बनाया? यह काम भी नासा ने ही किया है, लेकिन दूसरे देशों के मदद के साथ। 1998 में ये एजेंसी CNSA ने जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों पर अपने अंतरिक्ष यान को भेजा और वहां से जानकारी इकट्ठा की। चाइना एजेंसी ने अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट को भी भेजा है। अभी तक 11 एस्ट्रोनॉट को इसने अपने स्पेस में भेजा है। इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी और इतने लोग, तो इनका खर्चा कितना होगा? इनका जो सालाना बजट होता है वो $11 बिलियन का है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेस एजेंसी की जिसने स्पेस में कुत्ते को भेजा था। मैं बात कर रहा हूँ RFSA की, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। लेकिन दोस्तों, इसे सब रोस्कोमोस के नाम से जानते हैं। यही वह कंट्री भी है जो सबसे पहले एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। रशिया ने ही सबसे पहले अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया और इनका स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो चंद्रमा के काफ़ी करीब जाकर आया। रशिया ने पहले ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और रशिया ही पहला वो देश है जो चांद की मिट्टी को धरती पर लेकर आया। ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने अपने पहले ही प्रयास में अपने
स्पेसक्राफ्ट को अपने अंतरिक्ष यान को मार्स तक पहुंचा दिया। नासा जैसे स्पेस एजेंसी को भी 2 अटेम्प्ट लगे, लेकिन इस एजेंसी ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स पर अपना स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाया। तो आपको मालूम पड़ गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में, जिसने सबसे पहले मार्स मिशन मंगल पहले ही प्रयास में अचीव कर लिया, वो भी सिर्फ $75 मिलियन में कंप्लीट किया। अगर इसकी हम कंपेयर करें तो यह एक हॉलीवुड मूवी के जितना है, जितने में एक हॉलीवुड मूवी बनती है उतने में हमारे देश ने इसरो ने मिशन मंगल को कंप्लीट किया। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हमारा इंडिया कोई पिछड़ा उछड़ा नहीं है। जब भी टॉप 5 एजेंसी के बारे में या कोई भी स्पेस एजेंसी को अपना रॉकेट लॉन्च करना होता है तो वहाँ इंडिया की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इंडिया की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई थी, जो रशिया की स्पेस एजेंसी और चाइना के स्पेस एजेंसी की स्थापना से पहले का था। और अगर हम बात करें कि दुनिया की सारी एजेंसी को इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग मिसाइल्स, लॉन्चिंग रॉकेट्स है, और हमारे पास लॉन्चिंग टेक्निक्स है, जी हाँ, और वो है PSLV रॉकेट। और इसीलिए दूसरी सारी एजेंसी हमारे पास आती हैं अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। हमारे देश का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी कायम है, क्योंकि हमारे देश ने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करके दिखाया था, और ये सारे सैटेलाइट अलग अलग देश के थे। हमने चांद पर सबसे पहले वाटर की खोज की, और हमारे देश के राकेश शर्मा पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए। अब बात करते हैं कि इसका बजट कितना है। तो अगर हम USA और चाइना की तुलना में बात करें तो इंडिया का बजट काफ़ी कम है। USA जहां $20 बिलियन प्रतिवर्ष खर्च करता है, चाइना $11 बिलियन खर्च करता है, वही इंडिया सिर्फ $1.5 बिलियन खर्च करता है। लेकिन जब हम बात टेक्नोलॉजी की करते हैं तो कुछ ऐसे देश आते हैं जो इस मामले में काफ़ी आगे हैं, जैसे कि जापान। जापान हमेशा से टेक्नोलॉजी में आगे रहा है। हम स्पेस रिसर्च में जापान के बारे में अगर बात करें तो ये टॉप 5 एजेंसी में नहीं आता है। जापान जो हमारा है, इसकी जो स्पेस एजेंसी है वो है जैक्सा, ये 6वें पोजीशन पर आता है। तो एक और टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन की ESA। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और इन्होंने एक ऐसा स्पेस बनाया है जो सूर्य के ग्रहों के काफ़ी करीब जा सकता है, और उस पे सूर्य की किरणों का कोई ज़्यादा असर भी नहीं होगा। और इसका नाम रखा है द वीनस एक्सप्रेस। ये वो स्पेस है जो वीनस के काफ़ी नज़दीक जाएगा और उसके वायुमंडल की अध्ययन करेगा और हमें जानकारी देगा। इस एजेंसी ने 2005 में एक स्पेस लॉन्च किया था, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जो कि वीनस के काफ़ी करीब गया, उसके इमेज को इकट्ठा करा और हमारे पास भेजा। लेकिन 2014 में इसका संपर्क ESA से टूट गया और वो कहीं अंतरिक्ष में गुम हो गया। इनका एक फ्यूचर मिशन है जो बहुत अच्छा मिशन है, द स्पेस क्लियर मिशन। इसके तहत ये लोग ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो स्पेस में जाएगा और स्पेस में गुम हुए अंतरिक्षयान को लेकर धरती पर वापस आएगा, जिसका हम उस फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉप 5 स्पेस एजेंसी के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।